हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेघना दी सुबह सुबह शिमला आए हैं क्योंकि आज है मेघना दी का प्री वेडिंग शूट, और बस अभी हम अपनी लोकेशन के लिए निकल ही रहे हैं। अभी डिसाइड हो रहा है कि हम कहाँ पर जाएंगे पहले, तो मैं आज की वीडियो में आपको प्री वेडिंग शूट दिखाऊंगी और एक नई जगह एक्सप्लोर करूंगी जहाँ भी हम जा रहे हैं। अभी तो मेरे को खुद भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, अभी डिसाइड ही हो रहा है। अभी निकलने ही वाले हैं हम यहाँ से। बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये है हमारा सामान और मेरे पीछे मेरी सवारियाँ खड़ी हैं। नहीं नहीं आएगा, ये देखो। हाँ जी, मुझे इनकी तारीफ करने के पैसे मिले हैं और बहुत बढ़िया जॉब ये बना रही हैं। पर नहीं, सीरियसली हम अभी खाना खाएंगे और वंडरफुल जगह ये हम आज एक्सप्लोर करेंगे। एक नहीं बल्कि बहुत सारी जगह हैं, और लेट्स सी, देखते हैं कैसा कैसा चलता है। दोस्तों अभी हम उतरे हैं खाना खाने क्योंकि सुबह हम जल्दी चल पड़े थे ना सोलन से, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी और हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो अभी पहले खा लेते हैं कि मेरे अंदर तो एनर्जी भी नहीं बची और थोड़ा ना सिर घूम रहा है, खाली पेट। तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ। और मैं बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी नारकंडा, और नारकंडा में भी दो तीन लोकेशंस हैं, तो वहीं जाके बताऊँगी हम कहाँ पर जाएंगे पहले। हमारा खाना पीना हो चुका है डन, और बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ पर हमने खाया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं नारकंडा की तरफ। वैसे तो मैं आपको अपने पहले एक दो व्लॉग्स में ले गई हूँ नारकंडा, बट आज मैं फिर से जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज वहाँ पर थोड़ी बर्फ़ भी होगी शायद, है ना, बर्फ़ होगी ना उधर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपको भी ले चलती हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हम मज़े करने वाले हैं, खूब सारा इन्जॉय करने वाले हैं, फ़न करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। मैं तो बर्फ़ में खेलने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, अगर मेरे को मिल गई इस तरह की कुछ। यहाँ तो मार्केट में ही होगी ना शॉप, उसमें निकल गई थी ऊपर आकर, फिर पहले केवल का बहुत आती थी। हाँ, तो फिर सर क्या क्रिएशन की थी वो भी यार। और पंकज भाई, मैं उस फिल्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट फॉर टू डेज हमने दो दिन में शूट किया, और दो दिन का वो शूट था, और मुझे अच्छी तरह याद है उसको एडिट करने में पूरे 11 दिन लगे थे। वाह जी वाह, 11 दिन की एडिटिंग हुई थी उसमें। और आज भी जब हम उस फिल्म को देखते तो हमें लगता है कि यार हमने कुछ किया है। हम क्या बाजार से जाएंगे? नहीं, ये भी जस्ट निकले सर, अगर हम खाना ना खाते तो सदरी आ जाती। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ठियोग, और आज मार्केट बंद है। हमको ठियोग मार्केट से कुछ लेना था बट हम नहीं ले पाएंगे यहाँ से क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बंद है। पता क्या था हमने मार्केट का, हमारे पंकज भाई से वीरेंद्र से वहाँ की तेवर डरा डालेंगे, और दूसरी बात है करने साथ में कंखी हो फिर ये कुछ हो देते थे, फिर होते थे दूरदर्शन वाले ना, अब उनका चलना अपने से वो अपने महेंद्र अमरनाथ हो गया, ऐसे ऐसे कमेंटर ना बूढ़े बूढ़े, अब उनको आलस लग रहा है, कमेंटर ने करनी नहीं है, हल्के कथनों से पढ़ रहे हैं फिर वो कुछ नहीं, भी बॉल कैसी आई, कोई ब्लाइंड को पता लगेगा, बस आवाज आ रही है, कोई रन नहीं, बीच का बॉल नहीं, किसने बॉल की है, किसको की है, कुछ नहीं, कोई रन नहीं, तो कोई रन नहीं। इसलिए मैं क्या करता था कि भाई तुमने देखना है तुम देखो, इसकी वॉल्यूम करो कम, और कमेंट्री सुननी रेडियो से, तो रेडियो में 40 सेकंड पहले तो जैसे ना बोले सचिन 99 पे आउट, मेरे दादी बोले चुप रहा यार नहीं होना ये, फिर बोले खुद ही आउट, ओ यार मैट यार ये तो ठीक है। तो वो टाइम इंडिया देयर इज अ वेरी डिफरेंट कल्चर, एंड इन यूएसए एंड इंग्लैंड देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ bold women, and you can see the mini skirts of these beautiful babes. और ना फिर वो आ रहा है उसमें कंगना, उसकी बारी भी नहीं है। हाँ साहब, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, दबा नहीं पाए, और इस बीच ये घुमा दिया है 4 रनों के लिए। क्या
क्या खेल रहे हैं ये, थोड़ी सी जो बॉल है इसने टिप्पा खाया। और कंग की कमेंट्री की भाई, एक तरफ सचिन खड़े हैं पाषाण की तरह और सहवाग धो रहे हैं इन्हें चट्टान की तरह, और छक्का रोके नहीं रुक रहे हैं, थामे नहीं थम रहे हैं, इसीलिए जानी जाती है वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी। और ये आउट वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण है, असल नाम तो इनका खैर यही जाने बहुत लंबा है, वीवीएस लक्ष्मण आपको मैं बताता चलूं। और उधर से मरवन अट्टापट्टू हल्के हल्के कदमों से रन अप ले रहे हैं, तौलिए से पसीना पोंछ रहे हैं, दो बूंदे नाक पर फिर भी आए और एक बूंद तो मेरे ख्याल से इनके मुंह में उतर चली है। इतना डीप कर रहा था कमेंट्री कि दो बूंद नाक से रख सकती हूँ, एक बूंद तो मुंह में उतर चली है। अच्छा सेब है अभी आपने ना, और अच्छा सेब निकल रहा है यहाँ से, यहाँ तेरा शॉप देखना आपने ना, यहाँ पे कोई सदरी सुदरी मिले, जैकेट मिले, आराम से चलना आपने। चीपिस मत आना, एक शॉप। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मतियाना, और ये कुछ मतियाना की मार्केट है, और हमको यहाँ से कुछ लेना है, मेघना दीदी को सदरी टाइप कुछ ट्राई करना है, तो हम ये लेने के लिए रुके हैं यहाँ पर। और ये लेना है इसको ढाटू, ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक हमको सदरी तो मिल गई है बट ढाटू नहीं मिला, क्योंकि आज संडे है ना और मार्केट बंद है, तो अभी तो शॉप में और देखना पड़ेगा हमको जाके। फाइनली हमको मिल गई ढाटू वाली शॉप, ये देखो कितने प्यारे और कितने सुंदर लगे हैं, यहाँ पर लाइन में लगाए हैं। सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों ले रहे हैं, तो अभी आगे आगे आपको पता चलेगा कि हमने क्यों लिया है। तो अभी हम मतियाना पहुंचे, अब डायरेक्ट यहाँ से हम जाएंगे नारकंडा, तो अब वहीं आपसे मिलते हैं। हाँ ग्रीन वाले 60 रुपए का किलो, सुस्त हैं थोड़े, तो हम अंगूर अंगूर लेते हैं आगे आगे देखते हैं, अगर मिल गए तो। ये आधा किलो का है। और चलो बेहतरीन बात ये है कि खिलाड़ियों को पसीना नहीं आएगा, नहीं तो एक मैच मुझे आज भी बखूबी याद है कि माथे से सफर करती हुई दो बूंदे पसीने की नाक तक पहुंची और एक मुंह ने बूंद ने मुंह में आशियाना बना ही तो लिया था माइकल क्लार्क के। और ये कैप्टन साहब का बगीचा हम तो देख रहे हैं। मेरे भागो दिए लिखे रातो भूलो रोई ना। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नारकंडा, और यहां से होती है नारकंडा की मार्केट शुरू। जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में भी आपको बताया था नारकंडा मार्केट का, इस बार मैं फिर से बता रही हूं, ये है नारकंडा की मार्केट। जी हां, और हम ये चाहते हैं कि कितनों तक बर्फ में रही, दोस्तों अभी हम नारकंडा से चले हैं ताना जुब्बड़ वाले रास्ते पर, और ये देखिए यहाँ पर बर्फ कितनी प्यारी लग रही है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट अभी हम बर्फ में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमको अपना शूट कंप्लीट करना है पहले, उसके बाद हम यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, और आपको भी दिखाएंगे कितनी प्यारी बर्फ है यहाँ पर। और आगे तक ना काफ़ी आगे तक शायद ये होगी, ऐसा लग रहा है देखने में। Thank you.
फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, और जो हमारी पहली लोकेशन है वो है ताना जुब्बर लेक, जहाँ पे मैं आपको एक बार पहले भी लेके आई थी। और अभी हम यहाँ पर आए हैं, आज मैं फिर से आपको ताना जुब्बर दिखाऊंगी। मेरा तो मन बार बार देखने का करता है क्योंकि इतनी प्यारी जगह है, तो आज मैं आपको भी दिखाऊंगी। और बर्फ़ वर्फ तो है नहीं यहाँ पे, जब हम रास्ते में आए तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी जैसा कि आपने देखा। और अभी यहाँ पर तो पानी है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हम अपना शूट वूट करके निकलेंगे अपनी दूसरी लोकेशन पर। साथ में देखो मेरे को बर्फ दिखी, बट ये गंदी है थोड़ी यार, निकालते हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखो सब लोग बिजी हैं, इसलिए मेरे को अपने अपने मजे खुद ही करने पड़ेंगे। दोस्तों ताना जुब्बर लेक, और इसकी आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। सामने से धूप आ रही है इसलिए लाइट पड़ रही है तो सामने से नहीं दिख रहा है। और यहाँ सामने हो रहा है प्री वेडिंग शूट, और ये यहाँ पर है नाग देवता मंदिर, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वाले व्लॉग में भी बताया था जब मैं पहले यहाँ पर आई थी। और ये है लेक, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। अभी इस वाली साइड से ना धूप पड़ रही है इसलिए लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, और ये वाली साइड से आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर रोड के साथ ही मतलब ये लेक है, आप अपनी व्हीकल में भी आ सकते हो। ये देखो यहाँ से भी गाड़ी जा रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती है और आराम से कोई भी आ सकता है यहाँ पर। मैं ना बर्फ़ का दिल बनाने का ट्राई कर रही हूँ यार, पता नहीं बन पाएगा या नहीं, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तब बन ही जाए। और ये देखिए मेरा दिल थोड़ा थोड़ा लग रहा है शायद, आप लोग बताओ कमेंट करके बना है या नहीं बना है, थोड़ा तो बन ही गया यार।